हाय गाइज, आर जेविंद्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं केर का पौधा कि ये किस काम आता है और इसके क्या क्या उपयोग है। आप देख सकते हैं केर है वो कंटीली झाड़ी की तरह दिखाई देता है। ये रेगिस्तान के इलाकों में बहुतायत अपने आप उग जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। ये राजस्थान को छोड़कर किसी भी स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। इनका फल है वो कड़वा होता है, इसलिए खाने योग्य बनाने के लिए इसे मिट्टी के एक बड़े से मटके में पानी में नमक का घोल बनाकर उसमें कई दिनों तक डुबो कर रखा जाता है, जिससे इसका कड़वापन खत्म होकर खट्टा मीठा स्वाद हो जाता है। इसका बिना सुखाए भी अचार व सब्जी बनाकर सेवन किया जा सकता है। ज़्यादातर इस केर का उपयोग है वो सब्जी बनाने के लिए या फिर अचार बनाने के लिए किया जाता है। आजकल बाज़ार में सूखे केर उपलब्ध रहते हैं या आपने कभी बाज़ार से खरीदे भी होंगे। ये उदर या पेट से संबंधित कई भी बीमारियों में भी बहुत लाभदायक है और यह जोड़ों के दर्द में भी रामबाण औषधि है। ये केर है वो राजस्थान के अंदर कम पानी में इस रेतीली मिट्टी के अंदर अपने आप उग जाते हैं कि पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसके पौधों पर पत्तियां नहीं होती है। छोटे छोटे फल लगते हैं, इसमें दो बार फल लगते हैं। ये कांटेदार पौधा है जिसको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, जो हवा की नमी को सोखकर भी कई वर्षों तक हरा रह सकता है। बंजर व पथरीली ज़मीन पर भी उग जाता है। राजस्थान में हजारों सालों से पड़ी ओरन या फिर देवी देवताओं के नाम पर या गोचर के नाम पर जो ज़मीन या बंजर भूमि है उस पर ये बहुतायत में आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के किसानों को ऐसा मानना है कि जिस वर्ष केर ज़्यादा फल देता है उस वर्ष अकाल पड़ता है और कम फल देता है तब शुक्ला होता है, यानी राजस्थान की भाषा में कहते हैं अच्छा जमाना होगा या फिर फसलों के उत्पादन अच्छा होता है। मारवाड़ में रबी की फसल में जब किसान फ्री हो जाता है तब केर के फल आते हैं। फ्री समय में मेहनत कश औरत इस फल को बाज़ार में बेचकर 5 से 10 हज़ार रुपये आय कर लेती है और इनका व्यापार करने वाले लाखों रुपये भी कमा लेते हैं। तो आज आपने जाना केर के पौधे के बारे में। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल आर जेविंद्रा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।